हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मेडिकल में आए हुए हैं और पीजीटी में खूब कई बार रिपीटेड हैं। तो यहाँ केवल मेडिकल डेट है और बकाया टीजीटी पीजीटी और जो हायर एजुकेशन में कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा करेंगे, इसमें हम आपको 1 से 10 सेकेंड तक का समय देंगे। आप लोग इस पे जो भी सही आंसर वो हमें बताएंगे। द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला इज ऑफ द लिलिएसी इज, तो लिलिएसी का इसमें करेक्ट फार्मूला कौन सा है, आप देखकर बताइएगा। तो करेक्ट फार्मूला है बी, ब्रैक्टियट एक्टिनोमार्फिक हर्माफ्रोडाइट, पेरियंथ 3+3, यानी पेरियंथ में जो 3+3 है, और जो एंड्रोसियम है इसमें जो एंथर है 3+3 है, गाइनोसियम और जो इसमें कार्पेल्स हैं 3 कार्पेल्स हैं और सिनकार्पस हैं और ओवरी सुपीरियर है। द टू फैमिलीज डोमिनेट द हैविंग मैक्सिमम यूजफुल प्लांट्स, इसमें कौन सी दो फैमिलियां हैं जो सबसे मैक्सिमम यूजफुल हैं, तो आप फटाफट बताइएगा कौन सी यूजफुल हैं। तो इसमें ये है फैबेसी और पोएसी, दो फैमिलियां, ये दाल की फैमिली है और इसमें कई सारे प्लांट्स आते हैं और ये पोएसी है जिसमें मिलेट्स आते हैं। नेक्स्ट है द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ कुकरबिटेसी अकॉर्डिंग टू द बेंथम हुकर सिस्टम, इनमें बेंथम हुकर के सिस्टम के आधार पे जो इनका सिस्टमेटिक पोजिशन है कुकरबिटेसी की वो कौन सी होगी, बताइएगा फटाफट। वो होगी ये कैल्सीफ्लोरी एंड पैसीफ्लोरियल्स। नेक्स्ट देखते हैं टच मी नॉट बिलोंग टू, टच मी नॉट बिलोंग टू, तो ऐसे पढ़िएगा टच मी नॉट बिलोंग टू, ऐसे मत पढ़िएगा टच मी नॉट बिलोंग टू, वही वाली कहावत ना करिएगा, सांप मरे ना लाठी टूटे, दो निकलते हैं, सांप मरे ना लाठी टूटे, एक है सांप मरे ना लाठी टूटे और सांप मरे ना लाठी टूटे, तो वो वाली हाल है, यानी ये बात कर रहा है छुई मुई की। तो वो बबूल की जो फैमिली है मीमोसाइडी उससे बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली द करेक्टरिस्टिक करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ, वो कौन सी फैमिली है जो पेरियंथ जिसमें पाया जाता है, फटाफट आप बताइए। विच द फॉलोइंग फैमिलीज इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ, बताइएगा फटाफट आप। है तो वो फैमिली है आप देखिएगा लिलिएसी है, चलिए नीचे कर लेते हैं इसको। वो कौन सी फैमिली है, तो वो लिलिएसी है जिसमें पेरियंथ होते क्या है भी देख लो, जब कैलेक्स और कोरोला यानी कैलेक्स और कोरोला में कलर के बेस पे हम डिफ्रेंसिएशन ना कर पाए तो उसे हम पेरियंथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डलबर्जियो बिलोंग टू, डलबर्जियो सिस्सो नाम सुना होगा जो सीसम का नाम है बॉटनिकल, डलबर्जियो सिस्सो किससे बिलोंग करता है, तो बताइएगा फटाफट किससे बिलोंग करता है। बिलोंग टू द लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम गायरेंस जो प्लांट है इसका, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का पीसीएस में यूपी पीसीएस में इसका बोटेनिकल नेम पूछा था, तो डेस्मोडियम गायरेंस है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये टीजीटी में भी कई बार आया हुआ है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। यहाँ उसने फैमिली पूछी है कि इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली आप लोग बताइएगा क्या है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, ध्यान रखिएगा इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द एंड्रोसियम ऑफ मालवेसी इज, जो मालवेसी का एंड्रोसियम है वो क्या है कैसा होता है, तो वो हम आपको होता है मोनोएडेल्फस होता है, चोटी के आकार का होता है, मोनोएडेल्फस होता है और ये खूब पूछा जाता है।
रूटेसी डिफर फ्रॉम द मालवेसी इज हैविंग, ये किस प्रकार से डिफर रहती है, तो इस स्टेमेन के बेस पे डिफर रहती है. नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द कंपोस्टी, तो बताइएगा भी कौन सा इसमें रॉन्ग है. तो इसमें लेगुलेट, रेफ्लोरेट, बेसल ओव्यूल और सिंजिनेशियस स्टेमेंस, ये सब पाए जाते हैं. फाइव लोब्ड स्टेमेंस जो है वो नहीं पाए जाते हैं. तो इसी के बेस पे रेड ग्राम इज, तो इसमें रेड ग्राम किसे बोलते हैं, किसका बोटेनिकल नेम है रेड ग्राम का, बताइएगा भाई फटाफट देख के. तो वो है कजेनस कजान का. नेक्स्ट देखिएगा, बोटेनिकल नेम ऑफ रेडिस इज, रेडिस का बोटेनिकल नेम क्या है, बताइएगा फटाफट. तो वो है रेफनस सटाइवस, ये जो मूली है उसकी बात कर रहे हैं. मिलेट्स बिलोंग टू, तो मिलेट्स किसको बिलोंग करते हैं, तो ये सब जानते होंगे, मिलेट्स जो अनाज वाले फसल हैं वो पोएसी को, जिसे हम ग्रैमनी के नाम से जानते हैं. क्यूमिसुरल जो स्टिग्मा होता है, एलोंग कैपलरी क्वेश्चन प्लेन जो होता है, अकर इन फैमिली, तो वो पाया जाता है क्रूसीफेरिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आप देख के रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन, ये किताब में नहीं मिला है हमें, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. फिर है कार्थेमस टिंकोटोरियम बिलोंग टू द फैमिली, तो कार्थेमस टिंकोटोरियम जो किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो देख के बताइएगा हमें. ये एस्ट्रेसी फैमिली को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, एस्ट्रेसी फैमिली को. नेक्स्ट है, बोटेनिकल नेम ऑफ द काउली फ्लावर इज, तो उसका नाम है ब्रैसिका ओलरेशिया, वैरायटी है बोट्राइटिस, जो बोट्राइटिस वैरायटी है वो है. तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा. दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि.